जो आप में से आपके पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा है, जो झगड़ा रहता है और जो झगड़ा आपको नहीं पता ये बढ़ता जा रहा है, ये झगड़ा बढ़ता जा रहा है, ये झगड़ा बढ़ रहा है और आप कुछ गलत सोचने तक भी अपने मन में ऐसे सोच रहे हो। सिस्टर का नाम राजविंदर कौर है और जे अमृतसर बेरके के रहने वाले हैं। और जे सिस्टर की गवाही जे है, हम पहले इसके हस्बैंड की पिक को भी देखेंगे। और जे सिस्टर के हस्बैंड है और इनकी गवाही जे है, जे बता रहे हैं कि एक साल से जे सिस्टर अपने मायके में रहते थे और जो इनके हस्बैंड है वो भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते थे, दोनों को साथ लो। और इसका कारण ये था क्योंकि जे ब्रदर काम नहीं करते थे, इनका मन नहीं करता था काम करने के लिए और इनका इस बात के साथ ही क्लेश हो जाता था कि अगर आप काम नहीं करोगे तो हम कैसे अपने घर में रहेंगे। तो जे सिस्टर काफी परेशान थे, जे एक साल से अपने मायके में रह रहे थे और जितना भी खर्चा था, इनका एक बेटा है वो सारा खर्चा इनके मायके वाले ही कर रहे थे और जे सिस्टर काफी परेशान थे। और जैसे इस ब्रदर ने आज से 5 महीने पहले हमारी मिनिस्ट्री का से साथ जुड़े और ऑनलाइन मीटिंग को देखा, जैसे संगति में आना शुरू किया और जैसे प्रभु के दास के साथ इनकी मीटिंग हुई, ऐसे अलग से मीटिंग हुई और जिस सिस्टर ने बताया कि जो पहले परेशान थे और जिस सिस्टर तो संगति में नहीं थे आते, पर जैसे इस ब्रदर को सिखाया गया कि आप धन्यवाद करो और बाद में जिस सिस्टर ने भी इस मिनिस्ट्री में आना शुरू कर दिया और जैसे जो इकट्ठे मिनिस्ट्री में आते थे पर ऐसे साथ में नहीं थे आते, अलग अलग आते थे और जो विश्वास में बने थे। और जैसे ही जो ब्रदर ने बताया कि जे 22 अगस्त की मीटिंग में आए और जैसे प्रभु के दास घोषणा कर रहे थे कि जो पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़ा है, पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। मैं पत्नी और पति के बीच जो झगड़ा है, जो आप में से आपके पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा है, जो झगड़ा रहता है और जो झगड़ा आपको नहीं पता ये बढ़ता जा रहा है, ये झगड़ा बढ़ता जा रहा है, ये झगड़ा बढ़ रहा है और आप कुछ गलत सोचने तक भी अपने मन में ऐसे सोच रहे हो। आप पति पत्नी हो और आपका झगड़ा दोनों के बीच बढ़ रहा है और आप कुछ गलत सोचने तक आप आए, आप जो कोई भी हो, मैंने कहा आप जो कोई भी हो, कौन हो जो अपने हाथ खड़े करो, अगर कोई भी ऐसा है नहीं जिनका मैं नाम बोल रहा हूं, बुद्धि रखो, वो आगे आ जाओ। जिनके पति पत्नी के बीच में झगड़ा है और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो कुछ गलत सोचने तक वो ऐसे सोच रहे हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ऐसे जब ब्रदर तो संगति में आए थे पर जो सिस्टर अपने घर में ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे और जो सिस्टर ने भी रिसीव किया प्रार्थना को, जैसे प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई और उसके बाद जिस सिस्टर ने और इस ब्रदर ने अलग से प्रभु के दास के साथ अपनी पर्सनल मीटिंग की और जो भी इनके मन में जो बात थी ऐसे प्रभु के दास के साथ की, इनको उत्साहित किया गया। और उसके बाद जिस सिस्टर ने बताया कि हम धन्यवाद करते रहे और परमेश्वर के आगे अपने मन को लेकर जाते रहे और प्रार्थना में बने रहे और कुछ ही समय में परमेश्वर ने इनके जो बहुत ऐसे इनके मन में ऐसे गलत ऐसे विचार आते थे सिस्टर के भी, परमेश्वर ने उससे भी पहले इनको अच्छा किया और अब परमेश्वर ने इनके रिश्ते को ब्लेस कर दिया है। और परमेश्वर ने इससे पहले इनका घर बन रहा था पर इनके ऐसे क्लेश के कारण वो घर का काम भी रुक गया था और सिस्टर ने बताया कि जैसे परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया रिश्ते के साथ तो अभी इन्होंने अपना घर भी पूरा बना लिया है, अभी जो अपने उस न्यू घर में रह रहे हैं और अभी इनको 1 महीना हो चुका है कि अपने घर में। और सेकंड गवाही इस ब्रदर की जे के जो ऐसे काम के कारण इनकी ऐसे बनती नहीं थी, परेशान थे, तो जैसे ही जे ब्रदर 24 अक्टूबर की मीटिंग में आए और प्रभु के दास के मुख से परफेटिक वर्ड आया कि जो फाइनेंशियल काम में ऐसे कमजोर है परमेश्वर ने ब्लेस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस क्लिप को देखते हैं। अपने हाथों को धन्यवाद करो परमेश्वर का और सबसे पहले
मैं आज आपको एक प्रोफेटिक वर्ड देता हूं कि जितने लोगों के फाइनेंस में कमजोरी है, उनके पास काम नहीं है, हालात है, वो अपने मन में ठाने, अपने मन में ठाने सबसे पहले प्रभु के लिए, अपने अपने मन में ठाने, जिनके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, वो ठाने आज, वो ठाने अपने मन में, उनके रास्ते खुलने वाले यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा ठाने, मैंने कहा उनके रास्ते खुलने वाले हैं आज, क्योंकि मैं जब मैं अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा मेरे लोगों को बोल, मेरे लोगों के लिए बोल कि वो अपने मन में मेरे लिए ठाने कि मैं परमेश्वर तेरे लिए चेक करूंगा, मैं उनके रास्तों को खोलूंगा। आप बहुत जल्द अपनी गवाही से आने वाले हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे इस ब्रदर ने ऐसे हीलिंग को रिसीव किया और जो बता रही कि परमेश्वर ने इनको जॉब के साथ भी ब्लेस कर दिया, अभी इनको 10 दिन हो गए कि जो अपनी जॉब पर जा रहे हैं और परमेश्वर ने इनकी सारी प्रॉब्लम को अच्छा कर दिया। अभी परमेश्वर ने इनके रिश्ते को भी ब्लेस कर दिया, इनको अपना घर भी दे दिया और जो जॉब थी वो उससे भी परमेश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया। और ये सिस्टर बहुत खुश है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतनी बड़ी गवाही को बनाया। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो, आप बताओ जब ये जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच जब चल रही थी उन दिनों में, आज तो सब कुछ अच्छा है, क्या क्या मन में आपके विचार उत्पन्न होते थे? किस हद तक आप अपने सोच लिया था कि मैंने इनके साथ रहना है, थोड़ा बताओ। मन परेशान सी के पेकियां दे घर ही रहना, खर्चा मम्मी डैडी ने करना, ते खर्चा दे करदे सीगे, पर मन बड़ा परेशान हुंदा है जदों पैसे दिंदे सी ना, ते शर्म आउंदी सी कि लैण लग्या ना कोई, भावे करदे सीगे मदद ते मन बड़ा परेशान हुंदा, पर चलो मैं प्रभु दा नहीं छड्डिया, कहड़ा प्रभु ने मेरी सुनी, मैं यही प्रार्थना करदी सी कि पर प्रभु तुसी मेरा न्याय कर चुके हो, यही 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 प्रार्थना मैं करती रही, तो प्रभु दे नाल जुड़ी रही, तो प्रभु ने अज मेरे सारिया कम कमियां नु दूर कर दिता, जिन्नी भी मुश्किलां परेशानियां सारिया दूर दूर कीतियां। अपने कभी ऐसे भी मन में सोचा था कि अगर ये इस तरीके से इनका अगर सिस्टम रहा तो मैं क्या करूंगी, ऐसे कुछ मन में आया था कि मैंने आया था कि हमने नहीं रहना, इनके साथ नहीं रहना, क्योंकि इनके घर वाले भी नहीं हमें रखते थे साथ, ये सोच लिया था कि मैंने रहना ही नहीं, रहना नहीं, चाहे मैं मेहनत करके कुछ भी करूं मगर इनके साथ नहीं रहना। हाँ जी, ये सोचा था मैंने। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमारी लड़ाई इंसान से नहीं, किससे हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है, किससे किससे शैतान से, हमने उससे लड़ना है। क्या लड़ना है? जब मैंने इनसे मीटिंग की और मैंने सिखाया तब भी ये बहुत आपस में कुछ एक दूसरे के प्रति बोल रहे थे, पर मैंने सही चीज सिखाई और जब इन्होंने उस चीज को लिया और करना शुरू किया, क्योंकि लड़ाई किससे? शैतान से, क्योंकि प्रॉब्लम कौन खड़ी करता है हमारे जीवन में, हालात कौन खड़ा करता है? जब इन्होंने उस चीज को पकड़ा और अपनी लड़ाई को विश्वास से लड़ा और ये जीते और आज आपके सामने और ये गवाही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आज अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने घर के लिए, जो घर तो लिया मगर उसका काम बीच में रुका हुआ था क्योंकि अनकम्प्लीट था, क्योंकि बनाया पर पूरा प्रॉपर बना नहीं था, तो आज सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा किया है, जिस वजह के कारण इनकी लड़ाई रहती थी, काम नहीं था, जॉब नहीं थी, आज उससे भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आज खुशी से अपने घर में रह रहे हैं। आज खुश हो आप? कितना खुश हो? बहुत खुश हो। बहुत खुश हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस गवाही के लिए और सब गवाहियों के लिए खड़े होकर खुदावंद की अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो। Hallelujah! सब गवाहियों के लिए और अपनी गवाही के लिए मैंने कहा सब जोर से तारीफ करो। यहोवा ने खुशियां बखाया, सब यहोवा ने खुशियां बखाया के आज मैं गावांगी, यहोवा ने खुशियां बखाया ने, यहोवा ने
खुशियां बखानियां ने के अज मैं गावांगी अज चर्चे करांगी मैं ओदे नाम दे सोने सोने गीत गावांगी मैं ओदे नाम दे अज चर्चे सोने सोने गीत गावांगी मैं ओदे नाम अज चर्चे करांगी मैं ओदे नाम दे सोने सोने गीत गावांगी मैं ओदे नाम दे अज चर्चे करांगी ओदे नाम दे सोने गीत गावांगी मैं ओदे नाम दे यहोवा ने खुशियां बखाइयां ने के अज मैं गावांगी यहोवा ने खुशियां बखाइयां ने के अज मैं हालेलुया। इनके चक्कर में शैतान ने इस बेटे की जिंदगी भी क्या कर देनी थी, बर्बाद क्या करनी थी, समझते कि नहीं समझते। पर आज परमेश्वर ने इन तीनों को अपने वर्ड, अपनी सच्चाई से और अपने वचन के द्वारा जब इन्होंने उसे सीखा और समझा और उसको अपने जीवन में लिया और उस लड़ाई को विश्वास से लड़ा, तो आज इनके जीवन तीनों के सेफ है। फिर से तारीफ करो और धन्यवाद करो।